हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्ट एंड क्राफ्ट विथ टॉगोर। देखिए, आज हम लोग ऐसे मटका शेप का एक प्लांटर बनाएंगे। तो मेरे वीडियो को अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो कोई भी मेरे वीडियो को नया देख रहा है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, ये बनाने के लिए मैं ये मटका शेप का जो मोती है वो ली हूँ, और ये जो येलो कलर का कॉर्ड है ये 3 मीटर करके है 8 पीस, और ग्रीन कलर का कॉर्ड है वो 1 मीटर। अभी देखिए, सारे कॉर्ड को बीच में से ये रिंग में फंसा दी, उसको फंसा के इसमें स्क्वायर नॉट लगाएंगे। देखिए, येलो जो कॉर्ड है उसको जैसे बीच में हम लोग 2 कॉर्ड पकड़ते हैं उसी हिसाब से उसको मान के, और ग्रीन वाला कॉर्ड से उसको उसके ऊपर नॉट लगाएंगे। देखिए, पहले लेफ्ट वाला कॉर्ड ऊपर रखी हूँ, फिर राइट वाला ऐसे करके इसको कॉर्ड को नॉट लगाएंगे। देखिए, एक बार ये कॉर्ड राइट साइड वाला कॉर्ड ऊपर, एक बार लेफ्ट साइड वाला कॉर्ड ऊपर, ऐसे करके ये नॉट लगाएंगे। आपको अगर ये अच्छे से सीखना है तो पहले भी मैं वीडियो बनाई हूँ चाबी रिंग का, उसमें मैं अच्छे से दिखाई हूँ नॉट कैसे लगाते हैं, वो आप चेक कर सकते हो। देखिए, अभी जो एक्स्ट्रा कॉर्ड है उसको कट कर लेंगे, कट करके उधर ही लाइटर की मदद से उसको चिपका देंगे। अभी 4 कॉर्ड को अलग कर लेंगे, और ये जब बार बार हिल ना जाए इसीलिए इसको सेफ्टी पिन की मदद से इसको इधर अटैच कर लेंगे। अभी 4 कॉर्ड को पकड़ी, पकड़ के राइट वाला जो कॉर्ड है उसको बीच में दो कॉर्ड के ऊपर रखेंगे, रख के लेफ्ट वाला कॉर्ड राइट के उधर से होल से इसको निकाल के ऐसे करते जाएंगे। ये बार बार राइट हैंड वाला ही ऊपर रखेंगे तब ये घुमावदार एक डिज़ाइन आएगा। देखिए, राइट हैंड बार बार ऊपर रख रही हूँ। देखिए, राइट हैंड वाला रख रही हूँ, ये अपने आप ही घूम जाएगा। देखिए, थोड़ा सा बना ली हूँ। आपको अगर ज़्यादा बड़ा बनाना है तो ये कॉर्ड आप 4 मीटर रख सकते हो, तो मैं ये 3 मीटर रखी हूँ। 4 मीटर 5 मीटर आपको जितना लंबा बनाना है, कॉर्ड का लंबाई भी आप उतना बढ़ा देंगे। अभी बीच वाला 2 कॉर्ड में मैं ये पिंक कलर का जो मोती है, 2 बड़ा वाला है ये डाल रही हूँ, और दोनों तरफ जो सिंगल कॉर्ड है इसमें 4-4 करके मटका शेप का जो मोती है वो डाल दूँगी। डाल के फिर जो ऊपर जैसे हम लोग एक राइट हैंड का ऊपर रख के जैसे नॉट बनाई थी, सेम नॉट इधर भी ऊपर जितना बनाई हूँ नीचे भी उतना ही बनाएंगे। फिर ऐसे सारे 4-4 करके नॉट लेंगे, लेके सेम प्रोसेस से सारे नॉट को रेडी करेंगे। देखिए, सारे जो जितने भी है सारे 4 को रेडी की हूँ। अभी एक रिंग ली हूँ, ये जो रिंग है ये 2.5 इंच का है, तो 2.5 इंच का है। इसमें देखिए, दोनों को नीचे से ऐसे पकड़ के दोनों तरफ से ऐसे निकाल लेंगे, ऊपर का जो कॉर्ड है करके इधर एक स्क्वायर नॉट लगा लेंगे तो ये और हिलेगा नहीं। देखिए, स्क्वायर नॉट लगा रही हूँ। अभी ऐसे ही करके साइड में और एक को भी लगा के आप लोगों को दिखा रही हूँ। देखिए, दोनों को नीचे से निकाल ली हूँ, लेके दोनों के अंदर से 2 कॉर्ड को निकाल लेंगे। आपको देखने में ही समझ में आ जाएगा, मैं फिर भी बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। वीडियो कैसा लग रहा है नीचे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा।
देखिए ऐसे करके चारों जो रेडिक्यूस उसको सारे को देखिए इस रिंग में लगा ली हूँ। अभी ये जो कॉर्ड है ये 1.5 इंच करके मैं 1.5 मीटर करके 1.5 मीटर करके मैं काट करके रखी हूँ। रख के ये जो बीच में जो गैप है इसमें इसको लगा देंगे, छः छः करके लगाएंगे। देखो ऊपर से ऐसे ले जाते हुए उसके अंदर से इस कॉर्ड को निकाल लेंगे। ऐसे इसको छः मतलब ऐसे पहले फिर दो दो करके पकड़ेंगे, पकड़ के उसको स्क्वायर नॉट लगाएंगे। लगा लेंगे तो ये हिलेगा नहीं, तुरंत कर लेंगे। तो अभी पूरे में इसको लगा देंगे। लगा के देखिए सारे में स्क्वायर नॉट लगा ली हूँ। लगा के अभी ये जो स्क्वायर बना है देखिए वो स्क्वायर से दो लेंगे और इधर से दो लेंगे। ये दो ली हूँ और साइड वाला स्क्वायर से दो ले ली हूँ। लेके बीच वाला दो उसका पकड़ी हूँ, पकड़ के उधर एक मोती डालेंगे, ग्रीन कलर का जो मोती है। डाल के फिर इसको इधर भी एक स्क्वायर नॉट लगाएंगे। पहले राइट हैंड वाला कॉर्ड ऊपर, फिर लेफ्ट हैंड वाला जो कॉर्ड है उसको नीचे से ले जाते हुए ऊपर से निकाल लेंगे। देखिए ऐसे करके फिर ये जो ऊपर से देखिए फिर उसका जो दो बचा था राइट वाला कॉर्ड का वो ली हूँ, और ऊपर से जो बना के लेके आई थी उसका भी दो लेंगे। लेके इधर उसका भी दो बीच में ऐसे मोती डालेंगे, डाल के स्क्वायर नॉट लगाएंगे। देखिए ऐसे करके पूरा लाइन कंप्लीट की हूँ करके अभी जो दो नॉट लगाई हूँ ये वो उस दोनों कॉर्ड के बीच में इधर का राइट साइड वाला कॉर्ड दो और लेफ्ट साइड वाले से दो लेंगे। लेके दोनों का बीच को दो लेंगे, लेके उसमें भी एक मोती डालेंगे। डाल के सेम प्रोसेस से इसमें भी नॉट लगाएंगे, पूरा लाइन ये भी कंप्लीट करेंगे। फिर देखिए इसका जो जितने भी लूज लगेगा उसका जो सारे का मतलब ज्वाइंट करेंगे, एक के साथ एक ज्वाइंट करेंगे। अब जब करेंगे तो आपको देख के ही समझ में आ जाएगा। अभी एक जो जो स्क्वायर नॉट है उसी को नीचे नीचे ऐसे बनाते जाएंगे, थोड़ा सा पांच छह ऐसे ही। देखिए एक एक में एक बार राइट हैंड ऊपर, एक बार लेफ्ट हैंड ऊपर करके जैसे बनाते हैं स्क्वायर नॉट, सेम प्रोसेस से थोड़ा सा लंबा बनाएंगे। ऐसे करके देखिए पूरा सब कंप्लीट की हूँ करके फिर एक इससे बड़ा रिंग जो ऊपर में 2.5 इंच का ली थी, ये 4.5 इंच का ये रिंग है ली हूँ। लेके इसके अंदर सारे जितने भी कॉर्ड है सारे को ऐसे करके दो दो बार करके घुमाएंगे, घुमा के इसमें अटैच कर लेंगे। देखिए ऊपर से ले जाते हुए इसके अंदर से निकल रही हूँ दो बार करके, तो एकदम टाइट हो जाएगा। देखिए दो दो बार करके ऐसे घुमाएंगे तो ये सारे टाइट होकर इसमें लग जाएगा। ये जो रिंग है ये ऊपर वाले से थोड़ा सा बड़ा है, तो इसके लिए ऐसे करके दो दो बार करके घुमा रही हूँ। और इसमें से इसमें ऐसा करने से इसमें मटके का शेप भी आएगा करके। सारे जितने भी है सारे को ऐसे घुमा लेंगे। देखिए ऐसे घुमा ली हूँ, फिर थोड़ा सा ऊपर जैसे बड़ा करके स्क्वायर नॉट को लंबा करके बनाई थी इसमें थोड़ा सा बना रही हूँ, तीन या चार बार बना रही हूँ। जो कोई भी मेरे वीडियो को देख रहे हो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो ऐसा नया नया आइडिया आपको मिलता रहेगा। तो देखिए जैसे मैं ऊपर में जैसे बनाई थी नीचे भी सेम दोनों स्क्वायर नॉट से इधर का दो राइट साइड का दो और लेफ्ट साइड का दो पकड़ेंगे, पकड़ के उसमें से भी दो बीच का पकड़ेंगे, पकड़ के उसमें मोती डाल के फिर सेम प्रोसेस से ऊपर जैसे बनाई थी नीचे भी ऐसे ही गांठ लगाएंगे, स्क्वायर नॉट लगाएंगे।
फिर ये दो कॉर्ड को लगाएंगे ऐसे करके। देखिए ये तीन लाइन बनाई हूँ इधर, फिर नीचे जो ऊपर में जैसे ढाई 2.5 इंच का कॉर्ड ली थी, इधर भी नीचे भी लेंगे, लेके इसके अंदर से सारे जितने भी कॉर्ड है इसके अंदर से अंदर कर देंगे, कॉर्ड के रिंग के अंदर करके दो दो करके ऐसे करके लेंगे, लेके उसके अंदर से कॉर्ड को निकालेंगे, निकाल के इधर एक स्क्वायर नॉट लगाएंगे। देखिए फिर साइड वाले से दो चार को पकड़ेंगे, पकड़ के ऐसे दो करके लेंगे, लेके उसके अंदर से इसको ऐसे निकाल लेंगे, लेके और दो को भी सेम प्रोसेस से करेंगे, करके चारों को पकड़ के एक साथ स्क्वायर नॉट लगाएंगे, एक बार ही लगाएंगे इधर नॉट। देखिए फिर ये लास्ट में चार ही बचा है, इसको भी मैं करके दिखा रही हूँ कैसे बना रही हूँ। देखिए चारों को ऐसे कर दी हूँ, करके इधर भी एक नॉट लगा लेंगे, इधर एक करके स्क्वायर नॉट लगा रही हूँ। देखिए सारे हो गया, थोड़ा थोड़ा सा वो रिंग दिखाई दे रहा है, तो इसको थोड़ा सा घुमा देंगे तो सारे रिंग ढक जाएगा। अभी नीचे जो सारे कॉर्ड है इसको एक साथ पकड़ेंगे, पकड़ के जो ग्रीन वाला कॉर्ड है उसी से ऊपर जैसे बनाई थी नीचे भी सेम ऐसे ही गांठ लगाएंगे। इसमें भी स्क्वायर नॉट ही है, बस जैसे उधर बीच में दो पकड़ रही थी तो इधर सारे जो येलो कॉर्ड है उसको एक साथ पकड़ेंगे, पकड़ के सारे को इस सेम प्रोसेस से गांठ लगाएंगे। देखिए अभी हो गया, तो दोनों तरफ से इसको कट कर लेंगे, कट के इधर भी लाइटर से जला के इसको चिपका देंगे। अभी देखिए जो बड़ा वाला जो कॉर्ड है इसको लेके थोड़ा सा डिजाइन बना लेंगे, पहले जो एक है स्क्वायर नॉट लगाएंगे, थोड़ा सा ऐसे गैप छोड़ेंगे, छोड़ के और एक स्क्वायर नॉट लगाएंगे, लगा के इसको ऊपर की तरफ कर देंगे। देखिए फिर और थोड़ा सा गैप छोड़ के और एक ऐसे नॉट लगाएंगे स्क्वायर नॉट, लगा के देखिए ऊपर की तरफ कर देंगे, जैसे बटरफ्लाई टाइप का दिखने में लग रहा है। आप नीचे ऐसे मोती भी लगा सकते हो, अगर आपको ज़्यादा ऐसे हो रहा है तो अंदर के तरफ से काट के ऊपर के तरफ भी आप मोती लगा सकते हो। तो मैं ये बटरफ्लाई टाइप का डिज़ाइन बना रही हूँ, ये भी अच्छा लग रहा है दिखने में। देखिए हो गया, फिर नीचे तो ऊपर जितना गैप छोड़ेंगे उससे थोड़ा सा ज्यादा नीचे छोड़ेंगे गैप। देखिए ऐसे कर देंगे, करके अभी नीचे जितना भी ऊपर नीचे हो रहा है तो उसको एक एक लाइन में कट कर लेंगे, फिर रेडी हो जाएगा। मेरे वीडियो को अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो कोई भी मेरे वीडियो को सब्सक्राइब किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए ये मेरा रेडी हो गया प्लांटर,
देखिए मैं फूल लग के दिखा रही हूँ, कैसे आपको आपको कैसा लग रहा है प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। कोई देखिए ड्रोन देखिए।